नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। हाँ, तो इस केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून सॉफ्ट सा अमूल बटर, रूम टेम्परेचर पर रख दिया है। इन केस आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल की क्वांटिटी डबल कर दें, या ऑयल नहीं डालना चाह रहे तो बटर की क्वांटिटी डबल कर दें। हाफ कप लेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप होममेड भी बना सकते हैं, हमने वो लिंक डालना है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि होममेड बहुत ही बढ़िया ये कंडेंस मिल्क बन सकता है। ये है हमारे पास हाफ कप दूध। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर, इसे हम एक साइड रख देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मेजरिंग कप जो होते हैं वो आप ज़रूर लीजिए, जब भी आप बेकिंग करें तो उसमें मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट सा होता है, ऐसे हम अंदाजे से जब करते हैं तो दिक्कत ज़्यादा आती है। 4 टेबलस्पून पिसी चीनी ले रही हूँ मैं। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सबको हमें छानना है। यहाँ पर मैंने जो दूध में विनेगर डाल के रखा था उसे आप धीरे धीरे इसमें डालते जाएं। इन केस विनेगर आपके पास नहीं है या नहीं यूज़ करना चाहते तो लेमन जूस डाल दें 1/2 टीस्पून। दूध आप धीरे धीरे ही डालें। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट है, इसी तरीके से हमें चाहिए। इसमें 1/4 टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे या वेनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। अब इस पूरे केक के मिश्रण को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली। अब हम एक पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें 1 टीस्पून के आसपास डालेंगे कोको पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। अब हमारे पास केक के 2 पार्ट हैं और 2 ही हमारे पास जैसे मोल्ड हैं, तो एक जैसे साइज़ के हैं, तो आप इनमें ही आप ग्रीस कीजिए, चाहे बटर पेपर लगाइए फिर या मैदा लगाइए, बटर पेपर ना हो तो इस तरीके से बनाइए। पर अगर ऐसे नहीं है आपके पास तो ये देखिए मैंने क्या किया है, ये मैंने एक केक टिन लिया है, इसमें बटर पेपर लगाया, बीच में मैंने सिल्वर फॉइल डालकर इसे डिवाइड कर दिया है। इससे भी क्या होगा, दोनों ही एक ही साइज़ के केक बनकर एक ही टाइम में तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला केक, अब ये अदर साइड जो दूसरा साइड है हमारा, वहाँ पर हम ये चॉकलेट वाला डालेंगे। यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने एक पैन रखा हुआ है जिसकी अच्छे से कवर हो, इसे मैंने गर्म करने छोड़ दिया था। ये देखिए इसके अंदर जो ये नमक दिख रहा है ये मिट्टी जैसा कलर हो गया, इसे मैंने बार बार यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक गोल रिंग रखी हुई है, अगर आपके पास रिंग ना हो तो एक प्लेन प्लेट डाल सकते हैं। अब ये केक जो टिन है हमारे पास इस तरीके से पड़ा है, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, इसे कवर कर देते हैं। ये काफ़ी गर्म है और अभी जो है फुल फ्लेम है, लेकिन आधे मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर दूंगी। 20 से 25 मिनट बल्कि 30 मिनट भी लगेंगे, हम चेक करेंगे फिर ये केक तैयार होगा।
अगर आप इसे ओटीजी में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे उसमें भी 20 से 22 मिनट लगेंगे, और अगर माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पे डालेंगे तभी भी आपको 180 डिग्री पे 20 से 22-25 मिनट लगेंगे। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देते हैं। ये देखिए मैंने गैस से हटा दिया है, ये थोड़ा सा मेरा बैटर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा था तो फैल रहा है, तो अभी वो बेक तो हो चुका है, मैंने चेक किया है। ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है, ये देखिए, लेकिन ये शेप इसका ख़राब हो गया। वैसे भी हमें काटना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठंडा हो जाए फिर मैं आपके सामने लाती हूँ कि इसे हम इसकी कटिंग कैसे करें। केक ठंडा हो चुका है, इसे मैंने निकालना है। ये आप सेटिंग देख लीजिए, मैंने कल आपको बताया था मैंने दोनों तरफ से बटर पेपर लगा दिया था। ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बना है, और उसमें जगह कम होने की वजह से ये सिल्वर फॉइल मैंने बीच में फंसाई हुई थी। ये देखिए केक काफ़ी स्पॉन्जी है, इसे ठंडा करना ज़रूरी है तभी हम इसे अच्छे से शेप दे सकेंगे। अब हम इसे शेप दे रहे हैं, इक्वल सा शेप देंगे। जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं उन्हें हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे। ये हमारा वेस्ट नहीं है, इसके लिए मैं कभी भी एक और रेसिपी आपको बताऊंगी। अब हम इसे दो पार्ट में कर लेते हैं, इस तरफ से भी दो पार्ट में कर लेते हैं। अब ये जो ब्राउन पीस है इसके हमारे चार पीस हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से ऐसे चार स्लाइस कर दिए। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग ऐसे मैचिंग कर दिए है, ब्राउन के साथ वाइट येलो वाला पार्ट रख दिया है। अब यहाँ पर लिया है मैंने मिक्स फ्रूट जैम, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट कर लिया, एक दो ड्रॉप पानी डालकर, करीब हाफ टी स्पून पानी डाला है, इसे सॉफ्ट कर दिया है। इसे हम सबको जोड़ेंगे। इनकेस आपके पास इसका सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट सॉस के साथ भी जोड़ सकते हैं, मिल्क मेड के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हम जैम लगाएंगे। और जहाँ हमारा ऑफ वाइट है केक येलो पार्ट है वहाँ हमने ब्राउन रखा है, जहाँ हमारा ब्राउन है नीचे तो ऊपर से हमने येलो पार्ट रखा है। इसी तरीके से हमें इसे भी सेट करना है। ये देखिए मैंने इसे सेट करके रख दिया है एक तरफ। अब इसकी जो ऊपर कवरिंग है उसे हम बनाने चाह रहे हैं, उसके लिए लिया है मैंने आलमंड मील। ये आता है आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। ये बादाम का मशीनों से पाउडर बनाया जाता है, ये हमें मैक्रून बनाने में भी काम आता है। तो ये 1 कप मैंने ये ले लिया है, 1/2 कप इसी चीनी ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर ले रही हूँ। इन सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए ये सब मिक्स हो गया है। अब इसे और एक
चीज़ हम डालेंगे जिसे डो फॉर्म में बन जाएगा। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। अभी मैं करीब एक टेबल स्पून डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ और फिर ज़रूरत लगेगी तो मैं एक आध टेबल स्पून और डाल दूँगी। ये एक डो फॉर्म में हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसमें करीब मेरे को 3 टेबल स्पून चॉकलेट सॉस डालनी पड़ी। ये देखिए ऐसा चाहिए जो मैं बेल सकूं। अब इसका हाफ पार्ट लेंगे। यहाँ पर आप बटर पेपर या कोई भी पॉलीथिन भी ले सकते हैं। कभी कभी किसी अच्छी चीज़ को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो बादाम का आलमंड मील जो मिलता है, इसकी लिंक मैं डाल दूँगी, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। पर इन केस आप ये बादाम का पाउडर नहीं डालना चाहते या ये वाली आप आइसिंग इसकी नहीं करना चाहते या इसकी कवरिंग ये नहीं बनाना चाहते, तो आप सिंपल वैसा बनाइए जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको वो एक लेजी केक सिखाया था, उसमें जो मैंने फ्रॉस्टिंग की थी वो 1 मिनट में बहुत ही फटाफट हो जाती है, तो उसकी आप फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं इसी के ऊपर। तो मैं अभी पहले इसे नापूंगी कि ये हमारे इस साइज़ का है कि नहीं। अभी मुझे थोड़ा और बेलना पड़ेगा। इसे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो इसे हटा दीजिए। इसे हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से पैक करके इसे फ्रिज में रखेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा रोल भी बनाकर तैयार करके फ्रिज में रखूंगी। इसे भी हम फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए हमने इसे बटर पेपर निकाल दिया है। अब इसे नाइफ से चाहे तो हल्की सी ऐसे डिज़ाइन दे दें। क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए आप घर में इतना बढ़िया सुंदर केक बना सकते हैं। अब इसे इस तरफ से इसका फर्स्ट पार्ट हम हटा देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर छोटे छोटे पर्ल्स से अपन सजा सकते हैं। ये ईटेबल पर्ल्स होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ये भी आपको किसी भी बेकरी शॉप पे भी मिल जाएंगे। किसी भी कलर के आप लगा सकते हैं। अब इसे हम स्लाइस में कट करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ी सी सेटिंग की इसमें ज़रूरत है,
हमने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया है, आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर रखें। तो इस तरीके से इसका भी, ये देखिए हमने दूसरा भी जो बना के रखा है इसे भी आप इस तरीके से, आप कोई और डिज़ाइन भी दीजिए या ना दीजिए, आपके एक कप मैदे के अंदर आपके ये दोनों बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अब आप चाहे तो इसे डेकोरेट करें, चाहे तो इसे प्लेन स्लाइस में काट के रख दें और जब कभी कोई मेहमान आए इसे ज़रूर सर्व करें या बच्चों को खिलाएं, ये सरप्राइज़ दें जब बच्चे बाहर से आते हैं न्यू ईयर के टाइम या क्रिसमस के टाइम, तो ये ज़रूर आप बनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।